तुम्हारे खिलाफ साजिश की जा रही है और तुम्हें क्या, ताकि तुम ना तो स्वास्थ्य की बात करो, ना तुम रोजगार की बात करो, रोटी कपड़ा और मकान को भूल जाओ। आप कोई डिमांड ना करो, जो लूट मचा रहे हैं राजा बैठ के इस समय वो लूट मचाते रहे, केवल मुद्दा रह जाएगा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, गाय गोबर मूत और साला कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं फिर और देश में। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मैं सब हिंदुओं से कह रहा हूँ और मोमडानों से भी कह रहा हूँ, दोनों धर्मों के लोगों से कह रहा हूँ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, उसको समझने के लिए ज्ञान चाहिए, विचार चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं वो राज करेंगे, ये ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं सारे शिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हो, तुम पे है क्या देश में, तुम्हारा सब, तुम्हें पागल बनाकर, मेंटल बनाकर तुम्हारा सब ले लिया और तुम्हें मरवा भी रहे हैं, तुम पे FIR भी कर रहे हैं। वो हिंदू को कैसे हिंदू में, जो मिश्रा मर गया, वहाँ किसने मार दिया, वो चाल के द्वारा मिश्रा मरा, बताओ, हिंदुओं को भड़काने के लिए वो मार दिया। मेरे को लगता है कि वो तो इन्होंने ही मार दिया, दिखा मेरे को तो कुछ ऐसे लगता है, कुछ ना कुछ यदि सही फेयर इन्वेस्टिगेशन हो तो पता लग जाएगी कि जब हिंदू को मारोगे तो मुसलमानों को मारेंगे, फिर दंगे फैलेंगे, आपस में हिंदू मुस्लिम मरेंगे, कटेंगे, तो इसका बेनिफिट किसको होगा, बीजेपी सरकार को होगा और किसको होगा, सीधे सीधे हिंदू फटेंगे तो हिंदू कटेंगे, योगी जी बोल चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी हैं इस तरह, ये देश को डेवलपमेंट करने की बात क्यों नहीं कर, रोजगार पे क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते रोजगार पे, ये क्यों नहीं बोलते शिक्षा पे, रोजगारी है कहाँ, मैं ये क्यों शिक्षा पे नहीं बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स की रिपोर्ट देखो, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, 25 करोड़ लोग रोजाना भूखे सो रहे हैं, कहाँ से आएगा पैसा, 80-20 की है, 80, अरे लड़ाई यार, देश स्वतंत्र देश हुआ पड़ा है, यहाँ यहाँ अपने देश की लड़ाई रोकना, यूक्रेन की लड़ाई रोकने जा रहे हैं मोदी जी, विदेश की लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ रुकवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब जालसाजी है, ये सब मैनिपुलेटेड है, प्लानिंग है, ये सब प्लानिंग लोगों को मरवाने की, समझो आप, दंगे प्रायोजित होते हैं, पहले से प्लान्ड होते हैं। दो धर्मों की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हिंदुओं की शोभा यात्रा को जानबूझकर मोमडनों के गलियों में भेजा जाता है और फिर वो अपने लोग भेजे जाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उन्हें तो बेचारों को पता भी नहीं रहती, जो मरा था उसे तो पता ही ना होगा, तेरी मौत भी होनी है आज, वो सब प्लानिंग थी। और फिर अब मोमडनों को घरों को ढोया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, फिर मुस्लिमों को ऊपर केस करा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, तो कैसे दंगे फैलाओ। तो ये शिक्षा की जरूरत है, समझो चाल को, उससे बेनिफिट किसको हो रहा साथियों, देश को गर्त में झोंका जा रहा है, नौजवानों को रोजगार की जगह उन्हें मौत दी जा रही है, उन्हें जेल दी जा रही है, उन्हें FIR दी जा रही है। साथियों आप इनकी चाल समझो, ये छोटी सी, इसमें कोई अलजबरा के सूत्र नहीं लगाने पड़ेंगे, ये थोड़ी सी बात है समझने के लिए। भारत के अंदर संविधान लागू है और संविधान लागू होने के बाद भी आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं निभा पा रहे तो किसकी कमी है, सरकार की कमी है, मुख्यमंत्री लाइबल है सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा जाएगा। मोदी जी ने कहा था सुहाग बचाइए अपना, तो ये मैं कह रहा हूँ, यदि कहीं भी दंगे हो रहे हैं तो उसके कौन जिम्मेदार होंगे, उनकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार होंगी, डेफिनेटली वही जिम्मेदार होंगी और वही हैं साथियों। आप समझो साथियों, आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आप समझो साथियों।